There are men, there are soldiers, and then there is Major General Ian Cardozo, the man who amputated his leg with a kukri. Major General Ian Cardozo ki bahut hi famous story hai from the 1971 Indo-Pakistan War. वॉर के दौरान इयन कॉर्डोजो एक लैंडमाइन पर स्टेप करते हैं एंड उनका पैर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मॉर्फीन जैसी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उनके लेग को सर्जिकली ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। इस सिचुएशन को देखते हुए मेजर जनरल इयन अपनी खुखरी निकालकर अपने सिपाही को ऑर्डर देते हैं कि एम्प्यूटेट माई लेग, आप मेरा पैर काट दो। बट कोई भी इस काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। सब यही सोच रहे होते हैं कि इयन सर अपना पैर काटने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। सबकी हिचकिचाहट को देखते हुए मेजर जनरल इयन खुद ही अपनी खुखरी लेते हैं और अपना पैर काट देते हैं। अपना लेग एम्पिटेट करने के बाद वो ऑर्डर देते हैं कि जाओ इसे दफना दो, जिसके रेफरेंस में उन्होंने बाद में हंसते हुए ये किस्सा शेयर करके कहा, आई स्टिल ओन लैंड इन बांग्लादेश वेयर माई लेग इज बरीड। इतने जोश और बहादुरी से भरे इंसान हमेशा ये प्रूव करते हैं कि देर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मेजर जनरल इयन की ये स्टोरी तो हम सबने सुनी है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइफ आपकी ब्रेवरी के लिए आपको कोई अलग से अवार्ड नहीं देगी। जनरल इयन को लेग एम्प्यूटेशन और उसके बाद सर्जिकली ऑपरेशन से रिकवर होने में 9 मंथ्स लगे। उनके आसपास के लोग उन्हें उस दौरान इस बात का एहसास कराना नहीं भूले कि एक डिसेबल्ड सोल्जर की लिमिटेड प्रमोशन ही होती है, और अकॉर्डिंग टू द आर्मी रूल बुक एक डिसेबल्ड सोल्जर कभी भी एक बटालियन कमांड नहीं कर सकता। फिर क्या था, मेजर जनरल इयन ने इस बात को अपने जहन में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी अपने फिजिकल फिटनेस की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे BPET भी कहते हैं, उसमें उन्होंने 7 ऐसे ऑफिसर्स को पीछे छोड़ दिया जो बिल्कुल फिजिकली सही सलामत थे। उन्होंने 4,800 फीट क्लाइंब भी किया विथ हिज एम्प्यूटेटेड लेग। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जो इस एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे थे वो बहुत ही सरप्राइज हुए एंड उन्होंने जनरल इयन से पूछा कि हाउ डिड यू कम हियर एट 4,800 फीट, जिसका जवाब बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट में जनरल इयन ने दिया कि सर आई क्लाइम्ड। वाइस चीफ ने सरप्राइजिंगली कहा कि इयन यू कैन क्लाइम, टू विच इयन जी सेड, सर देर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू दैट आवर सीनियर्स डोंट अंडरस्टैंड। द वाइस चीफ वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट ही आस्क्ड फॉर जनरल इयन्स फाइल एंड ही सेड, Give him a battalion and all other war wounded officers who are not taking shelter of their wounds. इसी तरह मेजर जनरल इयन कॉर्डोजो उर्फ कारतूस साहब पहले ऐसे वॉर डिसेबल्ड ऑफिसर बने जिन्होंने एक बटालियन और बाद में एक ब्रिगेड को कमांड किया। ऐसे ही एक्सेप्शनल लोग हमारी सोसाइटी के रूल बुक में चेंजेस लाते हैं, और इसी कहानी से मुझे ये कोट भी याद आता है, It always seems impossible until it's done. Major General Ian Cardozo हमें ये बताते हैं कि आप physically भले ही disabled हों, but आप mentally disabled मत रहिए। आप अपना aim decide करिए और उस aim को पाने के लिए जितना कर सकते हैं, जिस हद तक जा सकते हैं, जाइए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग स्टोरीज सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, जय हिंद एंड तगड़ा रहो।